वहीं मेघनगर में नल जल परियोजना में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं और जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों पत्रकारों ने कलेक्टर से की थी। स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे हुए कलेक्टर ने मेघनगर के डाक बंगले में पानी की टंकी के पास खोदी गई सड़क और डाले गए पाइपलाइन का मुआयना किया, जहां पर बड़ी अनियमितताएं और लापरवाहियां बरती गई हैं। अनियमितताओं को देख कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई, साथ ही उन्होंने एसडीएम के साथ ही सीएमओ को भी योजना की समीक्षा किए जाने के दिशा निर्देश दे दिए। कलेक्टर महोदय, सोमेश जी मिश्रा जी को हमने हमारे इस क्षेत्र में मेघनगर में मेरे मेन रोड जो मेरा घर का रास्ता है वहां पर हमने उनको जगह दिखाई और बताया कि सर किस तरह से ठेकेदार इस काम को बिना नियम कायदे के उनके उसके विपरीत काम ले जाके काम कर रहा है। जो पाइपलाइन उसको एक डेढ़ मीटर खोद के डालना था उसको उतना नहीं, ऊपर ही ऊपर उसने पाइपलाइन डाल दी है। तो योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आखिर इस पूरे मामले में कलेक्टर ने भी नाराजगी जाहिर की है, तो क्या कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल है। और दशरथ कट्टा जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त जानकारी के साथ। दशरथ, कलेक्टर नाराजगी यहाँ पे जाहिर कर चुके हैं, बावजूद उसके अभी तक किसी तरह की कोई चीज दुरुस्त नहीं हो पाई है। बिल्कुल दर्शक जी, हम चाहेंगे कि आप प्रॉपर नेटवर्क में आ जाएं, तब तक मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये खबर बता देती हूँ क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है, जनता से जुड़ी हुई ये खबर है कि आखिर योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पूरे मामले में क्यों इन पे कार्रवाई करने से बचा जा रहा है जब कलेक्टर खुद नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। दशरथ सिंह कच्चा हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। दशरथ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताना लगता है तकनीक 18-20 दिन आ रहे थे और जो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये जो नल जल योजना स्टार्ट की थी यहाँ पर उसको लेकर के नहीं, लगभग 5 से 6 साल से अधिक नल जल परियोजना अंधकार में पड़ी है। जी, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी 5 से 6 साल हो गए नल जल योजना अधूरी पड़ी है, जिम्मेदार कर क्या रहे हैं जनप्रतिनिधि? रोकना चाहूंगी भूपेश भानपुरी, अपूर्व पार्षद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ते हैं। भूपेश जी, आखिर नल जल योजना 5 से 6 साल से अधूरी पड़ी हुई है, जाहिर सी बात है इस दौरान आपका भी कार्यकाल रहा और अब नए पार्षद आ गए हैं, क्या वजह क्या बताई जाती है? पैसा तो बराबर खर्च हो रहा है लेकिन योजना पूरी नहीं हो रही। सबसे पहले तो मैं स्वराज एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूँ इस खबर को उठाने के लिए। मैं मेघनगर की जनता की पीड़ा बता रहा हूँ यहाँ पर कि मेघनगर की जनता इस नल जल योजना के कारण आज की स्थिति में एक तरह से बहुत ही पीड़ा महसूस कर रही है, क्योंकि लगातार 5 साल हुए इस योजना को शुरू हुए और 2020 में ये योजना बनकर तैयार होकर और मेघनगर के लोगों को पानी उपलब्ध हो जाना था, पर ठेकेदार की लापरवाही, इसके साथ में टाटा कंसल्टेंसी जो इसको सब सारा देखरेख करने का काम करती है उसकी लापरवाही। आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, मिलीभगत है, जिसके चलते भ्रष्टाचार भी हो रहा है, योजना पूरी नहीं हो रही और मेघनगर की जनता रही है? यह योजना मैडम माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी जनता को फायदा पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी योजना थी। मेघनगर के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं, सरकार ने इसके लिए 29 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और यह योजना धरातल पर अभी तक उतर जानी थी, लेकिन ठेकेदार और इससे संबंधित जो UTIC जो है उसके साथ में मिलके जो टाटा कंसल्टेंट है इसका जो काम देखता है हमारे साथ है सीएमओ मेघनगर विकास डाबर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास डाबर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, बताएं। विकास जी, नल जल योजना के तहत जो काम 5 से 6 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था वो 5 से 6 साल में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, इसको लेके क्या कहेंगे आप? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये महत्वाकांक्षी योजना है, 29 करोड़ की लागत से इसको पूरा किया जाना चाहिए था लेकिन लापरवाही इतनी बरती गई है कि ये काम आज तक पूरा नहीं हुआ। चूंकि जो पेयजल योजना है MPUDC के माध्यम से PCSNL कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है,
क्योंकि निकाय स्तर से इस संबंध में क्या है कि जो टेंडर वगैरह हुए भोपाल से एपीयूडीसी और बीसीसीएल कंपनी के बीच में हुए, अब चूंकि कोविड के कारण 2 साल और इनको एक्सटेंशन मिल गया उसमें किसी भी तरीके से, जिस वजह से काम डिले हुआ। अब उसके बाद काम जितना भी किया था उस संबंध में स्थानीय स्तर पर काफी शिकायतें थी या काम की गुणवत्ता को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा इसमें आवाज उठाई गई थी, जिसके संदर्भ में कुछ दिन पहले कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके लिए हमने एमपीयूडीसी को पत्र लिखा है ताकि वो उनके जो पीसीसीएल कंपनी को इस काम के काम में सुधार के लिए निर्देशित कर सके। ठीक है, लेकिन विकास जी बड़ा सवाल ये है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेघनगर की जनता तो पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, बूंद बूंद पानी के लिए वो तरस रही है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो पूरा नहीं हुआ। सब जानते हैं कि 2 साल वैश्विक जिस तरह से महामारी की मार हमने सबने झेली है, हम मानते हैं कि 2 साल की उन दो सालों की वजह से काम प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसके पहले काम पूरा हो जाना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल, काम हो जाना चाहिए था, इसीलिए अभी जो पुरानी व्यवस्था है, जो ग्राम पंचायत समय से जो हमारी व्यवस्था है, अभी वर्तमान में भी उसी व्यवस्था के आधार पर पानी वितरण कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वाटर सप्लाई स्कीम पूरी होगी उतनी जल्दी मेघनगर वासियों को जो नई पेयजल योजना है फिल्टर प्लांट का पानी मिल पाएगा, लेकिन वर्तमान में स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उस योजना से अपन पानी दे पाए, अभी जो पुरानी व्यवस्था उसी के आधार पर दे पाए। ये कब तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि अब प्रेजेंट सिनेरियो ये नहीं कहता है कि हम प्रेजेंट में इनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन कब तक, या अगर पूरा भी होगा तो कोई एक टाइम ड्यूरेशन भी तो फिक्स होना चाहिए, 1 महीना 2 महीना 6 महीना। जैसा कि अभी कलेक्टर महोदय के भ्रमण के दौरान जो कंपनी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने 15 जून का समय दिया है कि 15 जून तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है विकास जी, और जब इस तरह की लापरवाही अनियमितताएं बढ़ती जाती हैं, देखिए आप भी इस चीज को समझते हैं, बखूबी समझते हैं कि जब नल जल योजना के तहत पाइपलाइनों को बिछाया जाता है तो ये रोडों में गड्ढे तो खोद देते हैं, रोड को खोद भी देते हैं, उसके बाद इनको उनकी मरम्मतीकरण नहीं की जाती है, इन पर तब भी पेनल्टी बनती है, वो भी विभागों के द्वारा इनसे पेनल्टी नहीं ली जाती है, इनसे पूछा भी नहीं जाता, कोऑर्डिनेट भी नहीं किया जाता है कि भाई आपने अगर रोडों को खोद दिया है तो उन रोडों को ही उनकी मरम्मतीकरण कर दीजिए, ये भी नहीं होता है। तो चूंकि मैडम जो एमपीयूडीसी के माध्यम से स्कीम संचालित है, तो जो पेनल्टी लगाने का काम या फिर जो गुणवत्ता के जो इनका जो गुणवत्ता देखने के लिए टाटा कंसल्टेंसी की तरफ से नियुक्त अधिकारी नहीं, टाटा कंसल्टेंसी तो देखिए सर, सीएमओ सर साहब, टाटा कंसल्टेंसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, लेकिन मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप लोगों का जो सुपरविजन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब सुपरवाइज करते हैं चीजें तो विभागों का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं दिखता है, मेरा सीधा सवाल ये है, नगर निगम क्या करता है, नगर पालिका क्या करती है। देखिए सरकार ने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया क्योंकि एक ह्यूज लेवल की एमएनसी है, वो टाटा कंसल्टेंसी को दे दिया, ठीक है वो अपना काम कर रही है, वो क्यों अपने ऊपर आर्थिक बोझ लेगी, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में ये रहता है, लेकिन मॉनिटरिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं होती है। नहीं तो मॉनिटरिंग के लिए जो एमपीयूडीसी की तरफ से समिति नियुक्त है ना, तो वो जाते भी तो नहीं है ना सर। नहीं तो वो हमारे निकाय के इंजीनियर नहीं है, वो एमपीयूडीसी की तरफ से ही है सर, निकाय के इंजीनियर नहीं है, मैंने माना कि निकाय के इंजीनियर नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास पावर रहता है, सरकार का ये काम है और हम जो आम जनता है, जो टैक्स पेयर है, आप भी टैक्स पेयर हैं, आपके ही पैसों से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये सुविधाएं मिलती हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी तो हम और आपकी भी बन जाती है सर। नहीं नहीं, तो इसी संदर्भ में जब भी हमारे पास आता है कि एक्चुअल में क्या है कि जो एपीयूडीसी और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इसमें निकाय स्तर से नहीं हुआ है, उसके बाद भी जैसे स्थानीय स्तर से हमारे पास जो शिकायतें आती है, जब भी किसी ने अवगत कराया कि यहाँ दिक्कत है, रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है सर आप लोगों का, अगर शिकायतें आती हैं तो रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है, कितने दिन में रिस्पॉन्स करते हैं आप लोग इन शिकायतों पर? हम एमपीयूडीसी को अवगत कराते हैं कि आपके द्वारा जो स्कीम संचालित की जा रही है वो वहाँ पे इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो वो उनको फिर रिस्पॉन्स करते हैं, एक्चुअल में हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, हम एमपीयूडीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके यहाँ पे स्कीम में इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो वो कंपनी के ठेकेदार को इंटीमेट करते हैं सारी चीजों। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद हमारे पास जो फोन टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन होता है ठेकेदारों से, तो हम हमारे स्तर से तुरंत बता देते हैं उनको कि देखो उस वार्ड में या इस गली में ये दिक्कत आ रही है, तो वो उसके हिसाब से फिर रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ जगह पर जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, कुछ जगह कम मिलता है रिस्पॉन्स उसमें। क्योंकि विकास जी आप जिम्मेदार पद पर हैं और एक जिम्मेदार संवेदनशील अधिकारी हैं और समझते हैं कि जिस तरह से भीषण गर्मी अब विकराल रूप लेती जा रही है,
पानी के लिए लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आपने कहा है कि नगर पालिका इसके लिए उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, मैंने ये तमाम चीजें माना, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटेबिलिटी बनती है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उसको वहन करना बेहद जरूरी हो जाता है। और उम्मीद यहाँ पे मेघनगर की जनता भी आपसे करती है, और हम यही चाहते हैं कि जो छह महीने आपने जो अभी बताया है कि जिस तरह से जो आश्वासन दिया गया है कि जून तक ये पूरा काम हो जाएगा, हम जून तक इंतजार करते हैं, मेघनगर की जनता भी जून तक इंतजार करती है। अगर जून तक ये काम नहीं हुआ तो एक बार हम फिर से आपको पुनः कॉन्टैक्ट करेंगे। बराए मेहरबानी आपसे सिर्फ यही अपील और निवेदन कि फोन उठा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ पूर्व पार्षद जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। भूपेश जी शुक्रिया, दशरथ सिंह कच्चा हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। दशरथ नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जून तक हमें देखना है कि हमारी खबर पर आखिर कितना इंप्लीमेंट उन्होंने किया है, और सरकार को ये जो चूना लगाने की जो प्रवृत्ति है उसमें कितनी कमी आई है। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किसानों को आखिर